मॉर्निंग मैं खेत पहुंच चुका हूं। रात की बारिश लगी हुई थी, अभी थोड़ी सी हटी हुई है, तो मैं खेत आया हूं। अभी आपको बताता हूं खेत में कितना पानी भरा हुआ है। सो आओ देखें। बारिश की वजह से फिर मैं अपना बाइक नहीं लेके आया, वो वहीं पे खड़ा कर दिया मैंने। तो अभी मैं जाके देख रहा हूँ जो जो हमने बीज लगाए थे उनमें पानी भरा होगा, उसको अभी निकालूँगा। ये कल आपको दिखाया था इन सभी में बीज थे और आज इन्होंने पानी भरा हुआ है। सो मैं और भैया दोनों खेत में आ चुके हैं। ये देखिए, ये ऐसे हम पानी निकाल रहे हैं इनका। ऐसे हम कटिंग कर रहे हैं इसकी बनने की, घर लेके करेंगे हम। तो अभी पानी निकाल दिया है, सारा पानी बाहर जा रहा है। वो खेत के हमारे खेत के साथ ही एक नाला लगता है जिसको हम मतलब पंजाबी में कहते हैं डहाल, जिसमें बरसात का पानी आता है। आओ आपको दिखाऊं। ये देखिए, इसको हम कहते हैं ड्रेन, जिसमें पानी आता है बरसात का। ये हमने उस साइड जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, उस साइड भैया ने करेले लगाए हुए हैं अपने के लिए। बरसात में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी बारिश लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी लगती है, जिसके कारण हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बट अभी तो काफ़ी बचाव हो गया हमारा। इनको मिर्ची लगी हुई है, ये मिर्ची अगर आप इस जगह से उखाड़ के नई जगह लगा रहे हो तो यही पौधा चल पड़ता है और आपको फल देना स्टार्ट कर देता है। आगे दिखाऊंगा कहाँ लगा रहे हैं। ये देखिए, ये है मुर्गियों की खाद। ये हमने एक ट्राली 8000 की मंगवाई है। अब भैया और मैं जा रहे हैं ऊपर मिर्ची लगाने। ये देखो, इसको हरी मिर्च की लगी हुई थी और लाल हो चुकी है सारी। सबसे पहले ऐसे एक छोटा सा गड्ढा निकाल लेंगे हाथ से, फिर उसको ऐसे पौधा लगा देंगे उसमें, ठीक है। और ये एक फुट का गैप में लगाना है ये सभी। गमला टाइप बना दे मिट्टी में, गमला टाइप। हाँ, खड्डा। अच्छा, खड्डा ये गमला टाइप बनेगा पूरा। ये डाल दी हमने मिट्टी। भैया ने एक साथ ही चार चार पौधे लगा दिए एक जगह ही, क्योंकि ये फिर फैल जाते हैं। गर्मियों में कम फैलते हैं, गर्मियों में ज़्यादा फैलते हैं। गर्मी में ज़्यादा फैलते हैं, सर्दियों में कम। हाँ, गर्मियों में ज़्यादा फैल देते हैं पूरा पूरा इसके बर्फ, और सर्दियों में कम ही फैलते हैं, बट झाड़ तो उतना ही निकलता है। मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब मैं मिर्च को पानी लगाऊंगा और पानी मैं यहाँ से इसमें से ले लूँगा, इसमें पानी डालूँगा। थोड़ा थोड़ा ही डालूँगा क्योंकि पहले ही गीला है। ये देखिए, बिलबत्ती लगी हुई है सावन के महीने में, जो आप सभी शिवजी भगवान को चढ़ाते हैं, बहुत सारा लगा हुआ है। इसका एक बहुत ही तीखा कांटा होता है, ये देखिए, अगर लग जाए तो बहुत बुरा हाल होता है। ये हमारा भैया का लड़का है आदित्य, और ये देखिए खेत में आया है। जुत्ती इसकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, हैं हमारा पानी वेस्ट कर रहा है। तब क्या होगा, थोड़ा पानी वेस्ट कर दिया। कैसे कैसे वेस्ट करना चाहिए ऐसे। अब इसको रख ले खोल के। अब
हमारी लेबर यही यूज़ करती है, हम लेबर को सिर पे कुछ नहीं उठाने देते। मैल भी इसी पे जाती है और रेता भी इसी पे जाता है, और जो वगैरह हम ये रेत डाला होता है वापस उसको यहीं पे थ्रो कर देते हैं, वो भी इसी पे करते हैं। आधी पानी लगा रहा है उसको, थोड़ा बहुत पट्टी नहीं, बराबर ही है, पंगे ले रहा है भैया के साथ, बराबर कर रहा हूँ कहता मैं। हम जा रहे हैं साइकिल पे और मौसम बहुत ही अच्छा है। ओह साइकिल वो खुप गया खुप गया खुप गया। और मैं और आदि अब जा रहे हैं घर खाना खाने के लिए, और आप पीछे देख सकते हो कितना अच्छा मौसम है, पूरा बादल वगैरह हो रखे हैं। जब भी मैं खेत से घर जाता हूँ मैं और आदि साथ में ही जाते हैं, तो मैं घर आ चुका हूँ। ये रहा मेरा घर। ये तो सभी को पता होगा ये क्या चीज़ है, ये है कड़ी पत्ता। ये देखिए इसके बीज, ये ऐसे लगता है जैसे जामुन होती है, मैंने एक आधा खा के भी देखा है, और थोड़ा 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 मीठा भी है ये। ये भैया ने सुबह से लगे हुए हैं, अभी तक ये सारी मिर्च लगा दी है, ये देख सकते हो आप, इधर को भी इतना गैप है और इधर को भी, ये सेम लगा हुआ है एक एक फुट पे, और पुराना बूटा है सारा, इसको अब फल लगेगा। फूल आया हुआ है, फूल आया हुआ, मिर्च लगी हुई थी इसको, ये सारे सारे के सारे पुराने हैं। मैं और भैया हमने ये बरसात में ये करेले लगाए हैं, अब इनके लिए जाल बुनने लगे हैं। ओ देखो आप, पूरे एंड तक हमने डंडे लगा दिए हैं, ये हम डंडे यहीं से लेके आते हैं अंदर से, ये साथ में हमारे वो वेस्टेज पड़ी होती है, इसमें डंडे बूटे वगैरह उग जाते हैं सारे, इनको ही काट के हम इनके साथ बना लेते हैं। बट हमने जो नीचे वाला जाल लगाया था वो आपको वो दिख रहा होगा साइड में, उसके लिए हमने पॉली हाउस में, जो पॉली हाउस में पाइप यूज़ होता है वो हमने काफ़ी सारे यहाँ पे लेके आए हैं पापा, उसके साथ उस पर जाल बुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बाद में हमें यूज़ करने पड़ते हैं, इसको हम फिक्स रखेंगे। ये करेले के पौधे हैं छोटे छोटे बिल्कुल, अभी ये 15 दिन के हुए हैं। चलो ठीक है गाइस, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का हमारा टॉपिक था कि मिर्च के पुराने पौधे भी लग जाते हैं, कि उनको उसी जगह से उखाड़ के नई जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है, और उनके लिए थोड़ी खाद वगैरह डालनी पड़ती है। चलो बाय बाय, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।